लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम हुआ समाप्त। अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 मई को डाले जाएंगे वोट। अंतिम चरण के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरमौन में चुनावी रैली को किया संबोधित। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के सोलन में रैली कर किया चुनाव प्रचार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली की चांदनी चौक सीट के लिए केंद्र पर दोबारा मतदान के दिए आदेश। इस केंद्र पर अब अंतिम चरण में होगा पुनः मतदान। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को दिया झटका। अदालत ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में राजीव को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर रोक संबंधी प्रोटेक्शन को लिया वापस। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश में आधुनिक ड्रोन की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट पकड़ा। इस रैकेट में भारत सहित पाकिस्तान, चीन और म्यांमार के तस्कर हैं शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योग्यता आधारित आवर्जन प्रणाली लागू करने का लिया फैसला। इससे ग्रीन कार्ड यानी स्थायी कानून प्रवास के लिए प्रतीक्षा कर रहे भारतीय पेशेवर और कुशल कामगारों सहित हजारों विदेशी पेशेवरों को होगा लाभ। दक्षिणी पाकिस्तान के एक गांव में डॉक्टर द्वारा दूषित सिरिंज के इस्तेमाल से सैकड़ों लोग हुए एचआईवी पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 400 से ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से ज्यादातर बच्चे हैं शामिल। अब खबरें खेल जगत से। बृष्टि बागची पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी। बृष्टि अब स्पेनिश फुटबॉल लीग में लेंगी भाग।